दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस लो में। आज हम बात करेंगे कमाई के मौके की। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, IPO में अप्लाई करते हो और IPO के जरिए कुछ इनकम बनाना चाहते हो तो यह बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा। यानी कि BLS e-Service Limited का IPO है जिसका GMP अभी ही 96% के करीब दिखा रहा है। यानी कि अगर आपने IPO में अप्लाई किया और आपको लकीली, क्योंकि लकीली ही बोल सकते हैं, बहुत ही कम लोगों को IPO लगता है, IPO आपको अप्लाई में हो गया और आपको लग गया तो आपको डबल पैसे होने के चांस रहेंगे। यानी कि 100% यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांस रहे। अगर आपको IPO नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपके पैसे तो वापस ही आ जाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो BLS ए सर्विसेज की स्थापना अप्रैल 2016 में की गई थी। यह एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी आयुष्मान भारत कार्ड, IRCTC, ट्रेन टिकट, पासपोर्ट और वीजा एप्लीकेशन, ट्रैवल टिकट्स, पैन कार्ड, नेपाल मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स को लेकर असिस्टेंट ई सर्विस मुहैया कराती है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती है। अब IPO की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन क्या होगी, यानी कि लिस्टिंग अर्निंग क्या रहेगी, तो 96% के करीब दिखा रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद IPO की कुछ डेट्स देख लेते हैं। तो ओपन डेट होगी 30 जनवरी, क्लोजिंग डेट होगी 1 फरवरी और अलॉटमेंट डेट होगी 2 फरवरी और लिस्टिंग डेट होगी 6 फरवरी। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि 6 फरवरी को आपके शेयर आपके अकाउंट में डीमैट में आए नहीं और अलॉटमेंट हो जाएगा 2 तारीख को, ठीक है। फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी से इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्यू प्राइस 129 से 135 पर इक्विटी शेयर रहेगी। इश्यू प्राइस अप्रोक्सीमेटली 310 करोड़ के करीब होगा, उतने के करीब ही होगा। अब देखो मार्केट लॉट रिटेल के हिसाब से देखें तो 108 शेयर हमें लेने होंगे रिटेल में है, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू 14,580 होगी, पर हम कट ऑफ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो EPS प्री IPO यानी कि अर्निंग पर शेयर प्री IPO IPO के पहले कितना है तो 3.05, IPO के बाद कितना होगा 2.24, PE प्री IPO यानी कि IPO के पहले PE कितना होगा तो 44.31, PE पोस्ट IPO यानी कि IPO के बाद PE कितना होगा 60.33, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16.46 करोड़। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं। मार्च 2021 में 40 करोड़ 59 लाख रही थी, मार्च 2022 में 55 करोड़ 93 लाख रही थी, मार्च 2023 में 179 करोड़ 46 लाख रही थी। अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 65 करोड़ 23 लाख रेवेन्यू 2021 में हुई, वहीं 2022 में बढ़कर 98 करोड़ 40 लाख हुई और टोटल रेवेन्यू 2023 में 246 करोड़ 29 लाख हुई। यानी कि देखो आप रेवेन्यू एसेट 3 गुना बढ़ गए हैं, टोटल एसेट भी 3 गुना बढ़ गई, टोटल रेवेन्यू भी 3 गुना के करीब ही बढ़ी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो मार्च 2021 में 3 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, वहीं मार्च 2022 में 5 करोड़ 38 लाख का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2023 में देख सकते हो फिर से 4 गुना यानी कि 20 करोड़ 33 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो देखो ये कुछ कंपनियां, सब कंपनी में ऐसा ही होता है कि जब भी वो IPO लाने वाली होती है तो अपनी प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती है, पर हम 2-3 साल पीछे का देखें तो वहाँ भी हमें प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से IPO में अप्लाई करना अच्छा रहेगा आपके लिए और IPO अगर आपको मिल गया तो आपकी कमाई 2 गुना तक या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से पूरा एनालाइज करें, सब्सक्रिप्शन देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। दोस्तों अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करते हैं IPO में, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करो, उसके बाद IPO में अप्लाई करो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप उससे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, शेयर भी बाय कर सकते हो, तो इस तरह से इंट्राडे कर सकते हो, वो सब बढ़िया रहे बाद की बात है, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन पर, अभी इन्वेस्टिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ एक और अर्निंग की बात करेंगे कि किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं।